नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे पास ये कुछ स्टोन्स आए हैं टेस्ट होने के लिए, जिसे आज हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि स्टोन्स को कौन से स्टोन्स हैं। इसे हम बारी बारी से टेस्ट करेंगे और ये पता करेंगे कि ये हमारा रूबी है, स्पिनल है, गार्नेट है, या फिर टूरमली है, या फिर कोई ग्लास है, ये कौन सा स्टोन है। फिलहाल हमारे पास रूबी टेस्ट होने के लिए आया है, पर हम वही पता करेंगे कि स्टोन कौन सा है। तो बारी बारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि हम इसे कैसे टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम पोलारिस्कोप का भी इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरोसेंस का भी इस्तेमाल करेंगे और हार्डनेस भी हम इसका चेक करेंगे। और आज एक नया इंस्ट्रूमेंट है, ये स्पेक्ट्रोस्कोप। इस स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से भी हम चेक करेंगे। फिलहाल ये रूबी चेक होने के लिए काम आता है, इसमें हम स्पेक्ट्रम के थ्रू से हम रूबी चेक कर सकते हैं, तो हम इसका भी इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। घर पे कैसे बना सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकते हैं, वो वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और घर पे ही एक पोलारिस्कोप बनाकर खुद से भी टेस्ट कर सकते हैं स्टोन के एसआर और डीआर को। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं, इसे चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो लोग हमारे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसके कारण हमारे आने वाले ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और नए नए वीडियो को आप देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो रफ स्टोन है, जो कि पिंकिश रेड कलर में है, तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, जिनमें हम उन स्टोन्स के नाम लिखेंगे जिसके होने की संभावनाएं हैं पिंकिश रेड में। तो सबसे पहले हैं रूबी, टूरमलिन, टोपाज, स्पिनल, फ्लोराइट और गार्नेट। हम बारी बारी से एक एक इंस्ट्रूमेंट में एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम जांच करेंगे। प्रॉपर्टीज़ जांच करके हम ये पता करेंगे कि इनमें से कौन सा स्टोन हमारे टेस्ट के हिसाब से मैच करता है। जैसा कि हम पोलारिस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि हम एसआर और डीआर को टेस्ट करेंगे, तो एसआर डीआर टेस्ट करने से हमारे जो ये छह स्टोन्स के नाम हैं, इसमें कुछ स्टोन्स एसआर हैं और कुछ डीआर हैं। सपोज अगर पोलारिस्कोप में हमारा स्टोन डीआर निकलता है, तो हम इस एसआर वाले स्टोन्स को क्रॉस कर देंगे। और मान लीजिए हमारा स्टोन एसआर निकलता है, तो जितने भी डीआर स्टोन्स हैं हम उनको क्रॉस कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारा पोलारिस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, हम इसमें ये पोलराइजर और एनालाइजर को हम सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे ऑन करेंगे और अब हम इसे डार्क फील्ड में सेट करते हैं। ये हमारा डार्क फील्ड में सेट हो गया है। और हम इसमें अब ये स्टोन्स हमारे जो हैं, ये जो हमारे रूबीज हैं, इन्हें हम वन बाय वन रखते हैं। आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमने रूबी इसमें सेट कर दिया है। ये बहुत छोटे पीसेस हैं, शायद आपको बहुत ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, पर देखिए मैं जब इसे टिल्ट कर रहा हूं तो ये ब्लिंक कर रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये लाइट और डार्क हो रहे हैं। देखिए इस पीस को मैं दिखाता हूं, जब मैं इसे घुमा रहा हूं धीरे धीरे, तो एक बार ये बहुत लाइटली, एक्चुअली छोटा पीस है ना, जिस वजह से ये बहुत लाइटली लाइट और डार्क हो रहे हैं। शायद आपको कैमरे में बहुत अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, पर आप ये देख सकते हैं ये लाइट और डार्क हो रहे हैं। ये दरअसल ये डीआर स्टोन है, ये हमारा कंफर्म होता है कि ये एक डीआर स्टोन है।
देखिए ये सारे पीसेस जो है ना, ये सब लाइट और डार्क हो रहे हैं। तो ये जो स्टोन्स है दोस्तों, ये डीआर स्टोन है, ये पोलारिस्कोप में हमने चेक करके हम पता कर सकते हैं। तो ये हमारे डीआर स्टोन है। तो देखा आपने, बड़ी ही आसानी से हमने ये पता कर लिया कि ये स्टोन जो है एसआर है या डीआर है, जैसा कि हमारे ये रफ स्टोन डीआर स्टोन है। तो हम इसमें ये तो श्योर हो गए कि हमारे यहाँ पे जो हमने नाम लिखा है 6 स्टोन्स के, इनमें से कौन कौन सा नहीं है। जैसे स्पिनल, वो एसआर स्टोन है, फ्लोराइड एसआर स्टोन है, और गार्नेट ये भी एसआर स्टोन है। तो सबसे पहले हम इन तीनों स्टोन्स को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये तीनों एसआर स्टोन है, तो हमारा ये जो स्टोन है ये डीआर है, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्रॉस कर देते हैं। इससे हमारे ये शॉर्टलिस्ट हो गया कि ये 3 स्टोन नहीं है। अब हमारे पास 3 स्टोन के नाम बचते हैं, रूबी, टूरमलिन और टोपाज। अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्ट्रावायलेट लाइट की इंस्ट्रूमेंट की मदद लेंगे। अल्ट्रावायलेट इंस्ट्रूमेंट से हम ये टेस्ट करेंगे कि इसमें से कौन सा रेड फ्लोरोसेंस कर रहा है। जो भी रेड फ्लोरोसेंस करेगा इन तीनों में से, तो उसका भी एक अलग प्रॉपर्टीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो रेड फ्लोरोसेंस होता है तो रूबी होने की संभावना है, अगर वो नहीं करेगा तो फिर हम उसे साइड कर देंगे, वो रूबी नहीं हो सकता है। अगर रूबी होगा तो वो रेड फ्लोरोसेंस जरूर करेगा, थोड़ा हल्का करेगा या बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा, पर वो करेगा ज़रूर। तो ठीक है, अगर वो फ्लोरोसेंस होता है तो हम रूबी में जाएंगे, अगर वो नहीं करेगा तो फिर रूबी को भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट में इसे चेक करते हैं और पता करते हैं इसमें फ्लोरोसेंस हो रहे हैं या नहीं। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे मैं इनमें अल्ट्रा लाइट दे रहा हूँ तो आप देख सक रहे हैं ये कितने अच्छे रेड हो रहे हैं। शायद आप क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ने पर ये रेड हो रहा है, आप देख रहे हैं दोस्तों। जैसे भी इन स्टोन्स पर अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ रही है, ये रूबीज जो है ये रेड हो जा रहे हैं। आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये अल्ट्रावायलेट से हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टोन्स जो है अल्ट्रावायलेट में भी प्रूफ होता है कि ये एक रूबी स्टोन्स है। अगर ये गार्नेट होता है या फिर टूरमली होता है या फिर कोई ग्लास होता है, तो इस तरह से अल्ट्रावायलेट में ये रेड नहीं होता है, आप देख पा रहे हैं जी। तो इस तरह से ये तो कंफर्म होता है, अल्ट्रावायलेट की मदद से हमें ये पता चलता है कि ये रूबी के इंडिकेशन है, ये स्टोन हमारा रूबी है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो ये स्टोन है ये अल्ट्रावायलेट लाइट में फ्लोरसेंस कर रहा है, ये रेड ग्लो कर रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो इससे हमारा ये श्योर होता है कि अब जो हमारे जो 3 स्टोन्स बचे थे, रूबी, टूरमलिन और टोपास जो है रेड फ्लोरसेंस नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम टूरमलिन और टोपास को भी क्रॉस कर देते हैं। तो हमारा ये जो रिजल्ट आता है ये कन्फर्म होता है कि ये रूबी है। बट हम रूबी कंफर्म होने से पहले एक और टेस्ट हम कराएंगे, जो हमने आपको बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोप जो है, इस स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम इसके स्पेक्ट्रम को चेक करेंगे, और जिससे हम इससे श्योर हो जाएंगे कि हमारा रूबी है या नहीं है। तो वो भी कैसे करते हैं, चलिए हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोप में दिखाते हैं। दोस्तों ये स्पेक्ट्रोस्कोप और ये इसका स्कोप, यहाँ से हम स्टोन को देखते हैं। इसमें एक अंदर विंडो लगी हुई है, जो इसे रोटेट करने पर ये ओपन और क्लोज होता है। देखिए क्लोज हो चुका है और ये ओपन हो चुका है, तो ये एक विंडो है। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोप की स्केल बनी हुई है, जो अभी आप लेंस में मैं जब दिखाऊंगा तो दिखेगा। और यहाँ से हमें स्पेक्ट्रम को देखना होता है, जो कि आप देख सकते हैं। मैं पहले इसके विंडो ओपन कर देता हूँ, देखिए एक हल्का सा स्पेक्ट्रम का मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं आप अंदर में एक स्पेक्ट्रम।
ये जो अंदर है ये स्पेक्ट्रम बनती है, ये इसमें देखिए स्केल भी है, तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। तो मैं एक रूबीज को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, रूबी में रखकर इसे दिखाऊंगा कि ये स्पेक्ट्रम कैसे दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है इसके स्पेक्ट्रम और ऊपर वो आपको स्केल नज़र आ रही होगी, ठीक है। कैमरे पे बहुत अच्छे मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पर फिर भी एक एवरेज आप आइडिया ले सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये इसके स्पेक्ट्रम चेक करने होते हैं, इसमें इसमें डबलेट्स बनते हैं और बैंड्स बनते हैं नैनोमीटर पे। तो लाइट की जो रेंज है हम नैनोमीटर में देखते हैं, तो इस वजह से हम नैनोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है रूबी का स्पेक्ट्रम, ये जो रूबी हमने टेस्ट कर रहे हैं इस रूबी पे, मैं एक ही रूबी को टेस्ट करके दिखा रहा हूं। इस रूबी में देखिए यहां पे एक बैंड बन रही है, ये जो एक मोटी सी लाइन है ब्लैक कलर की, इसे बैंड कहा जाता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बैंड कहते हैं, ये रूबी में बनते हैं जी। तो जैसा आपने देखा है स्पेक्ट्रोस्कोप में भी हमने देखा कि इसमें डबलेट भी बन रहे हैं और एक बैंड भी बन रहा है, जो कि रूबी में जिस स्केल में बनना चाहिए वे वैसे ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम ये 100% श्योर हो जाते हैं कि हमारा जो ये स्टोन है ये रूबी ही है, ठीक है। तो देखा दोस्तों, बड़ी ही आसान तरीके से हमने इन स्टोन्स को टेस्ट करके पता किया कि ये स्टोन्स हमारे कौन से स्टोन है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के रूबी है, इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही आसानी तरीके से घर पे ही है, बहुत आसान तरीके से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से भी हम पता कर सकते हैं और बहुत आसानी से जांच कर सकते हैं हमारे पास जो स्टोन्स हैं वो कौन से स्टोन्स हैं। तो आपने देखा ये रूबीज कितने अच्छे पिंकिश में, कितने अच्छे कलर के हैं ये। तो ये हमारा नेचुरल रूबी है और ये कटिंग पॉलिशिंग होने के बाद ये बहुत खूबसूरत से पीसेस बन जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।